बात उत्तराखंड हल्द्वानी की। देखिए उत्तराखंड में हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा है। आरोप है कि हल्द्वानी में 4,400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। हाईकोर्ट रेलवे को 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश पहले ही जारी कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि 8 तारीख को क्या होगा। आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर ही टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का यह आरोप है और 50,000 लगभग लोग रहते हैं, 4,800 के आसपास फैमिलीज रहती हैं। उनका कहना है कि बहुत पहले से रहते हैं, लेकिन किसकी लापरवाही, क्या सरकारी महकमा जिम्मेदार है कि पहले वो आते हैं और तब रोक टोक नहीं होती और अब आदेश जारी होता है। रेलवे का ये पूरा जमीन और रेलवे के एक्शन पर ही सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया है खाली कराने को लेकर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को यह चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि हल्द्वानी में इतनी तनातनी आखिर है क्यों। देखिए आखिर यह पूरा मामला क्या है जानना जरूरी है और नौबत आखिर यहां तक कैसे आ पहुंची, देखिए जरा स्पेशल रिपोर्ट हमारी। हमें तो 100-150 साल हो गए यहाँ रहते हुए। कहाँ जाएंगे सर, इतनी बड़ी आबादी है, 50,000 की आबादी है, कहीं किराए पे घर भी नहीं मिलेगा। रेलवे हमारी तो बढ़ रही है बस्ती की बदनीयती के कारण। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह की जात से कि हमारे हक में फैसला होएगा और नहीं हुआ तो ये गरीब 50-60 हजार की आबादी कहाँ जाएगी। यही जीना है, यही मरना है। कम से कम किसी को हटाने से पहले उसका इंतजाम करने चाहिए। यही मर जाएंगे, यही पैदा हुए यही मर जाएंगे, मकान में कब्र बन जाएगी हमारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी पर पूरे देश की नजर लगी है। सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हजारों लोगों की दुआएं अदालत में भी कबूल हो पाएंगी, क्या दुआ पढ़ते हुए जुड़े इन हाथों के आशियानों पर चलने वाला है बुलडोजर रुक पाएगा, क्या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की कीमत 50,000 लोग चुकाएंगे या फिर सरकारी चूक का नतीजा 4,400 परिवारों को अपना घर खोकर उठाना पड़ेगा। 4,400 घर, 50,000 नागरिक, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, क्या इन सब कुछ पर 8 जनवरी को अतिक्रमण के ठप्पे के साथ अब बुलडोजर चल जाएगा। हमारी पैदाइश यहीं की है और हमारे दादा अफगानिस्तान से आए यहाँ पे, फादर भी यहीं पैदा हुए, दादा एक्सपायर कर गए 1867 में। तो दादा की कब्र भी यहीं है, यहाँ की कब्रिस्तान में आप कह रहे हैं कि कब्र जी, है। जी 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 बिल्कुल, पूरा डाटा लिखा हुआ है उसमें दादा का। तो हम जब से यहीं पे हैं, यहीं जीना है, यहीं मरना है। ये कहानी हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर का है। हल्द्वानी में रेलवे नोटिस जारी कर चुका है कि 82.900 किलोमीटर से 80.170 किलोमीटर के बीच अवैध अतिक्रमणकारी हट जाएं, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत उसकी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले गौला नदी में अवैध रेत खनन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। रेलवे के मुताबिक 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब दावा है कि हाईकोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली कराने के लिए कहा। तब स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों की भी दलीलें सुनने का निर्देश दिया। रेलवे दावा करती है कि सभी पक्षों के फिर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। रेलवे दावा करता है कि उसके पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है, 2017 की सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन अपने हाथ में तमाम दस्तावेज, पुराने कागज और दलीलों के साथ लोग सवाल उठाते हैं। सर्वे करावा पेपर है ये, जिसमें आपको जो है ये लैंड नंबर 18, ये लैंड नंबर 17 दिखाई दे रही है, ऊपर
उसके बाद ये जो है सर्वे करा है और रेलवे की दूरी जो बताई गई 30 मीटर बताई गई है और इस बार 34 मीटर बताई गई है और इसके अलावा और भी सर्वे के नक्शे हैं। तो रेलवे की जगह पर तो हमने कोई अतिक्रमण कर नहीं रखा, रेलवे हमारी तो कोई बढ़ रही है बस्ती की। 4,400 परिवारों और 50,000 लोग रेलवे के लिए अतिक्रमणकारी हैं और फिर अपना घर बचाने के लिए लाचारी के मोड़ पर खड़े हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। अमित भारद्वाज, हल्द्वानी आज तक। और सीधा रुख करते हल्द्वानी का ही, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद हैं। अमित, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आज काफी अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है, सभी की निगाहें इस पर होंगी, साथ ही ये भी बता दीजिए कि किस तरह से सियासत भी इसको लेकर हो रही है वहां। निश्चित रूप से आज बेहद ही अहम दिन है बनभूलपुरा के लगभग 5 मोहल्लों में रहने वाले लोगों के लिए। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने अपने दरवाजे इन लोगों के चेहरे पे बंद कर दिया था और ये आदेश दिया, फरमान दिया कि यहाँ जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। लेकिन अब 11 पिटिशनर्स ने जो बनभूलपुरा के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, जो एविक्शन नोटिस जिनको मिल चुका है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और आज सुनवाई है और उम्मीद यही है यहाँ पे रहने वाली बड़ी आबादी को, 40,000 से 50,000 की संख्या में जो आबादी यहाँ पे रह रही है, कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम आज इस पूरे जो एविक्शन ड्राइव का ऑर्डर है, डिमोलिशन ड्राइव का ऑर्डर है, उसके ऊपर स्टे लगा देगा। फिलहाल उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत डिसीजन के तौर पर, निर्देश के तौर पर नहीं मिलेगा, लेकिन स्टे की उम्मीद लगाए बैठे हैं 40,000 से 50,000 परिवार। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सबकी दिल की धड़कनें आज तेज है बनभूलपुरा में। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे एक छोटा सा स्टेज लगाया जा रहा है। हमें बताया गया है कि आज सामूहिक तौर पे एक कम्युनिटी प्रेयर भी ऑफर किया जाएगा यहाँ पे, ताकि दुआएं वो मांगे और वो दुआएं जो है कोर्ट में कहीं ना कहीं कबूल हो और स्टे ऑर्डर मिले। ठीक है अमित, आप सही कह रहे हैं कि सियासत भी दिख रही है इस पे कल समाजवाद। जी बहुत शुक्रिया अमित।